आज मैं आप लोगों को निमोनिया के बारे में बताऊंगा और बच्चों के बारे में बताऊंगा। यह शब्द निमो मींस लंग्स, फेफड़े से आया। जो हमारे फेफड़े होते हैं उसके सबसे छोटे जो पार्ट होता है उसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। किसी भी कारण से ये एल्वोलाई की जो दीवार है, जो उसकी झिल्ली है, अस्वस्थ हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो क्या होता है, हम सांस तो ले रहे हैं और जो हमारे ब्लड है वो एल्वोलाई की दूसरी तरफ से बह भी रहा है। सांस वाला ऑक्सीजन एल्वोलाई की एक तरफ चल भी रहा है, लेकिन एल्वोलाई जो झिल्ली जो है वो इन्फ्लेम्ड है। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हवा में है, हम जो सांस लेते हैं, वो ब्लड में नहीं पहुंच पाती। जब ब्लड को ऑक्सीजन कम मिलती है तो मनुष्य का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो तेज तेज सांस लेने के लिए करता है। क्यों? कि उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए हमारी जो सांस की गति है वो बढ़ जाती है। तो उसका इलाज ये है कि हमें उसको ऑक्सीजन देना चाहिए। उसका इलाज ये है कि उसका हमें कारण पता पड़ना चाहिए। लंग्स की जो झिल्ली है, जहां की एयर का ब्लड से एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, वो कारण क्या है उसकी इन्फ्लेमेशन का, तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। बड़ों में सिगरेट या तंबाकू का सेवन भी उस झिल्ली को खराब करता है। या जहाँ की ऐसे घरों में ज़्यादा सिगरेट पी जाती है, बच्चे अगर बैठे होते हैं तो बच्चे भी उस सिगरेट के धुएं को इनहेल करते हैं, उससे भी नुकसान पैदा होता है। आज भी निमोनिया से 1 से 5 साल तक के बच्चे, बहुत ज़्यादा उनकी मृत्यु दर होती है। और अगर हम थोड़ा भी ध्यान दें तो उससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। तरह तरह के हमारे निमोकोकल वैक्सीन्स मौजूद हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने 5 साल से नीचे के बच्चों को ये वैक्सीन लगवाएं। जब बच्चे को खांसी जुकाम हो, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, उसकी सांस तेज चल रही हो और बच्चा बेचैन हो रहा हो, तो तुरंत बच्चे के डॉक्टरों के पास जाएं, उसका उपचार लें और हो सकता है उसको भर्ती करना पड़े तो भर्ती भी कराएं, ऑक्सीजन भी दें। निमोनिया आज पूरा क्योरेबल है, हम इसको रोक सकते हैं वैक्सीन लगा के अपने बच्चों में। और हो जाता है तो घबराएं नहीं, तुरंत इसके डॉक्टरों के पास जाएं, उसकी एंटीबायोटिक दे करके, एंटीवायरल दवाइयां दे करके, ऑक्सीजन दे करके हम बच्चे को बचा सकते हैं। धन्यवाद।